बेसिक शिक्षा विभाग गोरखपुर द्वारा सहायक अध्यापक पद पर 599 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के अगले दिन शनिवार को सीएमओ कार्यालय और जिला अस्पताल में अपनी ज्वाइनिंग के लिए मेडिकल फिटनेस बनवाने के लिए पहुंचे महिला और पुरुष अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। करीब 600 अभ्यर्थियों ने जिला अस्पताल के पर्ची काउंटर ओपीडी कक्ष के सामने एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी अनुपालन नहीं किया गया। वहीं जिला अस्पताल प्रशासन भी मूक दर्शक बना रहा। अभ्यर्थियों की भारी भीड़ होने के बाद भी उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। अभ्यर्थियों के अनुसार ज्यादातर लोग बिना मेडिकल फिटनेस बनवाए वापस लौटने को मजबूर हो गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला अभ्यर्थी दिव्या पांडे, दीप्ति कमल कश्यप, रंजना चौधरी और नलिनी राय ने बताया। मेरा नाम रंजना चौधरी है और हम लोग मेडिकल अपना करवाने आए हैं। किस चीज के लिए मेडिकल करा रहे हैं? शिक्षक भर्ती के लिए। असुविधा ये हो रही कि बहुत ज्यादा भीड़ है और काउंटर पे बस एक ही लोग जो है कि पर्ची को काट रहे हैं, फीस ले रहे हैं, इसीलिए हमें असुविधा हो रही है। चूँकि धूप वगैरह भी ज्यादा है इसीलिए। कोरोना काल है, उस समय आप लोग खड़े हैं। हाँ, क्या करेंगे? तो जैसी व्यवस्था रहेगी यहाँ पे वैसे ही अब हर कोई अपना पहले करवाना चाह रहा है। इसकी वजह से सभी लोग डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे? या तो हम लोग को सिर्फ 2 दिन का मौका दिया गया है, इसीलिए हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी हमारा हो जाए। इसके लिए जो है कि कम से कम 1 हफ्ते का टाइम हम लोग को देना चाहिए था, ताकि बच्चे बारी बारी आके अपना करवाते रहे और ऐसे ये भीड़ इकट्ठा ना हो। दिव्या पांडे आए हैं चिकित्सालय मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने, टीचर वैकेंसी में जो जमा करना है। किस चीज़ के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने? ये हमारा जो वेरीफाई करना है ना टीचर ज्वाइनिंग के लिए, उसके लिए है। यहाँ क्या सुविधा होगी? सुविधा तो यहाँ कुछ सही नहीं लग रही है, देख रहे हैं आप सब लोग खड़े ही हैं, मतलब कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो क्या किया जाए? और फिर टाइम भी तो नहीं मिला है वहाँ से, तो इस वजह से सभी अपना कराने में लगे हुए हैं। 1 घंटे हो गए, 1-1.5 घंटे हो गए, कुछ लोग सुबह से भी लगे हुए हैं। एक ही काउंटर है जमा करने? हाँ हाँ, यहाँ पे तो एक ही काउंटर है। कितने लोगों की संख्या होगी आप लोगों की? 547 547। दीप्ति कमल कश्यप आए हैं सदर चिकित्सालय, और हम लोग शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई है, हम लोग का जो नियुक्ति हुई है, उसके लिए हम लोग को 2 ही दिन का वक्त मिला है। इस वजह से बहुत असुविधा हो रही है, और बाहर से तो हम लोग बहुत लोग हैं खड़े हैं, लेकिन काम तो बहुत धीमी गति से चल रही है, जिससे हम लोग को बहुत असुविधा हो रही है। यहाँ तो कोरोना काल के समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो पा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? हाँ,
नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है बिल्कुल। नहीं, व्यवस्था तो कुछ भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल अव्यवस्था लग रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आया था। हम लोग करीब 1 घंटे से इस लाइन में लगे हुए हैं। नल नहीं रहा, मेडिकल करवाना है, वो शिक्षक भर्ती में सेलेक्ट हुए हैं। शिक्षक भर्ती जो कल नियुक्ति पत्र मिला है उसी के में सेलेक्ट हुए हैं, उसी के लिए आए हैं। बहुत देर से, लगभग 1.5 घंटे से खड़े हैं, और काउंटर एक ही है जिसमें दोनों जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए एक ही लाइन है, वो भी बहुत धीरे धीरे काम हो रहा है। सर अब क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, 600 कैंडिडेट लगभग सेलेक्ट हुए हैं, तो मैनेज करना ही पड़ेगा कुछ, थोड़ी व्यवस्था की भी कमी है।